जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। राजीव नगर थाने के नेपाली नगर में प्रशासन 70 मकानों को ध्वस्त करने के कार्रवाई में जुटा हुआ है। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए, वहीं अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात तनावपूर्ण रहा, पुलिस मामले को शांत कराने की कोशिश में लगी रही। मामले को शांत कराने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कटिहार में सड़क दुर्घटना में 4 मजदूरों की मौत हो गई। नागालैंड में यह सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 मजदूरों की मौत हुई। कोड़ा प्रखंड के राजीगंज के रहने वाले सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। नागालैंड से एम्बुलेंस से शव को कटिहार के लिए रवाना किया गया। बेगूसराय में बीएमपी आर्ट ट्रेनिंग सेंटर के फाइनल दौड़ के दौरान करीब 2 दर्जन महिला जवान बेहोश होकर गिर गई। बीएमपी के मैदान पर ही प्राथमिक उपचार के बाद लगभग दर्जन भर महिला जवान को ठीक किया गया। हालांकि इस दौरान 8 महिला जवान की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह बीएमपी ट्रेनिंग के 16 किलोमीटर फाइनल दौड़ में 430 जवान शामिल हुए थे। बीएमपी ग्राउंड से होकर सड़क मार्ग होते हुए हैरपुर तक दौड़ पूरी करनी थी, लेकिन उमस भरी गर्मी के कारण दौड़ खत्म होते ही करीब 2 दर्जन जवान बेहोश होकर गिर गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि बीएमपी के कोई भी जवान या अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से परहेज करते रहे। रक्सौल में रक्सौल नरकटियागंज रेलखंड के बेलाही स्टेशन के पास चलती ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। ट्रेन रक्सौल स्टेशन से सुबह 5:30 बजे नरकटियागंज के लिए रवाना हुई थी, तभी रक्सौल स्टेशन से 6 किलोमीटर आगे पहुंचते ही ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। आग और धुआं और की लंबी लपटें देख आसपास के लोग ट्रेन की तरफ दौड़ने लगे। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाया, ट्रेन को खड़ी किया। यात्री ट्रेन से उतरकर बदहवास भागने लगे। संयोग था कि आग बस इंजन में लगी और इंजन तक ही सीमित रह गई। अगर आग बोगियों तक फैलती तो सैकड़ों यात्रियों की जान जा सकती थी। बागा के तिलडीहा दुर्गा मंदिर प्रांगण में शिलान्यास कार्यक्रम से वापस लौट रहे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को मुंगेर के तारापुर में गोगाचक के ग्रामीणों ने घेराव किया। सनी कुशवाहा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने खेत से 11,000 वोल्ट के तार को सरने की समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने मंत्री के से हाईटेंशन तार को सड़क किनारे लगवाने का अनुरोध किया। इसके साथ ही गोगाचक विद्यालय को मध्य विद्यालय को तारापुर 2 में समायोजित होने की बात कही। गांव में विद्यालय का भवन जर्जर होने के कारण पड़ोस के विद्यालय में समायोजित किया गया है। गांव के जर्जर विद्यालय भवन के जगह पर नया भवन बनवाने का भी अनुरोध किया गया। इस पर मंत्री ने विभागीय पदाधिकारी से बात करने का आश्वासन दिया। पटना में एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू शख्स का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर सौहार्द की मिसाल पेश की। एक मुस्लिम परिवार ने करीब 25 सालों से अपने यहाँ परिवार के सदस्य की तरह रह रहे एक हिंदू शख्स की मौत हो जाने पर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। समनपुरा इलाके में रहने वाला मुस्लिम परिवार ने हिंदू शख्स को अंतिम संस्कार के लिए गुलाबी घाट ले जाया गया और फिर उसका अंतिम संस्कार किया। गौरतलब है कि लगभग 25 से 30 साल पहले कहीं से भटकता हुआ रामदेव नाम का व्यक्ति राजा बाजार के समनपुरा पहुंचा था और वह वहां काफ़ी भूखा था। वहां एक परिवार ने उसे खाने ही नहीं खिलाया बल्कि एक मुसलमान मोहम्मद अरमान ने अपने दुकान में सेल्समैन के रूप में रख लिया, तब से उसी के यहां रहने लगा था। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 4 जुलाई को झारखंड आएंगे। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगी और राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन मांगेंगी। हालांकि अभी तक जेएमएम की ओर से ये तय नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के में पार्टी की ओर से किसे समर्थन दिया जाएगा। गौरतलब है कि द्रौपदी मुर्मू का झारखंड से जुड़ाव रहा है। वह झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और 6 साल से अधिक समय तक राज्यपाल के तौर पर काम किया है। यही नहीं, द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी समाज से आती हैं। संथाल परगना के 6 जिलों में इनकी संख्या अधिक है। बता दें कि इससे पहले द्रौपदी मुर्मू और यूपीए के उम्मीदवार शंतु सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात कर समर्थन मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए किसे समर्थन दिया जाए। वेटरन्स इंडिया सीतामढ़ी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन द्वारा नगर पालिका विद्यालय के प्रांगण में स्थित शहीद मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी के स्मारक स्थल पर चंदन वंदन तिलक के साथ माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर रेणु चटर्जी ने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान 2 जुलाई 1999 को इनकी शहादत हुई थी। उसी समय 315 फील्ड रेजिमेंट के उपकमान अधिकारी के पद पर सेवारत थे।
संगठन के उपाध्यक्ष पूर्व नौसैनिक रामेश्वर महतो ने बताया कि सरकार शहादत के वक्त बहुत बड़े वादे करती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती। सीतामढ़ी टीम के जिला कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व सैनिक अनिल कुमार ने बताया कि शहर के कारगिल चौक पर शहीद की याद में शहीद द्वार बना हुआ है जिसकी मरम्मत और सौंदर्यीकरण की जा रही है। पोखर में नहाने के क्रम में डूबने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की जानकारी में बात आने पर पोखरे के चारों तरफ जनसैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही घर वालों को इस बात की जानकारी मिली घर में कोहराम मच गया। मामला नानपुर प्रखंड के सरसे गांव स्थित बड़का पोखर का है। मृतक की पहचान सरसे गांव निवासी पवन राय के 22 वर्षीय पुत्र अमन कुमार के रूप में हुई है। युवक के डूबने की खबर पूरे गाँव में जंगल में आग की तरफ फैल गई। सूचना मिलते ही नानपुर थानाध्यक्ष राम विनय पासवान पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रांची रेलवे स्टेशन से पहला जत्था अमरनाथ यात्रा को लेकर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना हुआ। यह जत्था का 27वां साल था। पिछले 27 साल से यह जत्था लगातार बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए राजधानी रांची से रवाना होता है। पिछले 2 वर्षों से यह जत्था नहीं जा पा रही थी। इस वर्ष यह लगभग 25 लोगों का जत्था जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं हर साल रवाना हो रही है। बाबा अमरनाथ का दर्शन, माता वैष्णो देवी का दर्शन और बाबा भोलेनाथ देवघर में दर्शन कर वापस रांची आ जाएंगे। जनसेवा मंच के बैनर तले राजधानी रांची के जिला स्कूल मैदान में सेल बट्टिका चौक तक बालू की कालाबाजारी और किल्लत को लेकर त्राहिमाम संदेश यात्रा का आयोजन किया गया। इस त्राहिमाम संदेश यात्रा में बिल्डिंग व्यवसाय से जुड़े और आमजन सम्मिलित हुए। समाजसेवी मुंचू राय ने इस प्राइम आम संदेश यात्रा के माध्यम से बताया कि बालू की किल्लत और बालू की तिगुनी कीमत में बढ़ोतरी पूजा सिंगल खान सचिव की गिरफ्तारी के बाद बाजार में देखी जा रही है। आमजन जिन्हें घर बनाना है वह त्राहिमाम कर रहे हैं। इस त्राहिमाम यात्रा के माध्यम से वर्तमान झारखंड सरकार से मांग की जा रही कि इस ऐतिहासिक बालू संकट से आम जनता को तत्काल निजात दिलाएं, बालू की नीलामी और बंदोबस्ती का टेंडर जल्दी निकालें।